राम राम जी, स्वागत है भाई एक और नए व्लॉग में। और भैया अभी मैं झाड़ू पोछा करने लाग रही हूँ और कत्तर इस टोकरी में बहुत ज्यादा हो गई थी, तो ये फालतू की कत्तर लेकाड़न लाग रही थी। और एक कमेंट भी आ रहा था, दीदी फालतू कतराओं के करे अगर, तो भाई मैं तो कूड़म डाल दिया अगर, कोई काम की नहीं, मोटी मोटी रख लिया करूँ, थोड़ी सी बेरा है किसी बेल्ट वेल्ट में लगानी पड़ जाए, कोई पाइपिंग निकालनी पड़ जाए, कोई पोचा में लगाना पड़ जाए, कोई गले में लगाना पड़ जाए, तो मोटी मोटी रख लिया करूँ और जो छोटी मोटी डाल दिया करूँ। किसी ने मान ले कोई घर में सिलती हो, कोई एक आधी ले जाए बेल्ट वेल्ट में लगाने, तो उन्हें भी दे दिया करूँ और किसी काम में ना लिया करूँ। मैं तो इमें ये फालतू की काट दी नगेरूंगी कूड़े मेरे, फिर काटूंगी झाड़ू। तो आज काम वैसे भी मेरा लेट हो रहा है क्योंकि छोटा दिन होने लगा, काम बढ़ती में ही ना आवे, झाड़ू पोछा खाना पीना बर्तन सर्तन करा, इतने 12-1 बजे है, फिर सूटा की कटिंग करना और फिर सीलना, एक आध बार कटिंग करना रह जा, न रात न तो कटिंग कर दूँ तो सही बरकत सी हो जा है, फिर सुबह काम करते ही या सुबह उठते ही सीलन ने मिल जा है, और जिस दिन ना कटिंग करूँ ना उस दिन तो सारा दिन यूँ चला जा है, बेरा बिना पाटक ऊपर गया। तो अब झाड़ू उठा के लाई हुई, काटूंगी झाड़ू फटाफट। खाना पीना तो मेरा हो चुका था, रोटी वाला काम तो मैंने कर लिया था, झाड़ू ही रह रहा था, आज मैं झाड़ू पोछा बाद में करन लाग रही हूँ। तो मैं झाड़ू काटूंगी फटाफट, फिर मारूंगी पोछा, फिर नहाऊंगी, फिर मैं सोचू हूँ एक बार मार्केट में भी जाके आऊँ, मैंने लेना है इनर कई सूटा का, तो सोच रही हूँ। और सोचते सोचते मैं जमा शाम कर दी, शाम का टाइम ही गई फिर, क्यों मार्केट में जान की हरकत बहुत जमाई मुश्किल से लिकड़िया जा है। और नज़दीक एक शॉप भी है, उस पर एक दो इनर कल छोरा पे मंगवाया भी था, पर के है पैसे तो उतने लागने, इनकी थोड़ी ही अस्तर की हल्की क्वालिटी है, और विमल में ने वे हल्की क्वालिटी रखे हैं, और जो बाजार में लेके आऊँ ना वह बड़ी अस्तरा की, बुकरम की, धागा की, लेस की, सारी चीज़ों की शॉप है, कुछ भी ले लो, तो उनकी अस्तर की क्वालिटी थोड़ी अच्छी है। फिर मैं सोचो एक बार टाइम तो लगेगा जाना तो सही, कई अस्तर इकट्ठा ठा लियाँ, रील धागा भी मैच करवा लियाँ, बुकरम भी ठा लियाँ, पैसे उतने लागने, फिर मैं नज़दीक तक जाए तो ना मंगवाया करूँ। और मेरी झाड़ू होगी कम्प्लीट, ही मैं लगाऊंगी पोचा, पोचा लगाने में तो ज़्यादा देर ना लागा, झाड़ू में ज़्यादा देर लागा है, डस्टिंग करके थोड़ा झाड़ू काटन में, चादर वादर झाड़ना थोड़ा टाइम लग जा है। और मैं की करने लाग रही हूँ, उरे मैं की करूँ थी, उरे मैं पता नहीं सूट साट ने मैं इंटरलॉक करा था, इंटरलॉक करके नरमे समेटन लाग रही थी। ये सलवार इन कई सलवार हैं, ये कम से कम 12 सलवार हैं, इनमें सब में मैंने पल्ला में इनर लगानी और बेल्ट में इनर लगानी, फुल कमीज में इनर लगाना, तो सारा सूटा का 3.5-3 मीटर इनर लेके आई हूँ, और फिर उन्हें धोना सुखाना, बस यो एक काम चले जाए, मेरा सारा दिन घूमने का भी टाइम ना लग गया। पहले करवा चौथ की दाल थी, शादियाँ शुरू होगी तो 10-12 तारीख तक मैंने कई सूट देने हैं, तो उनमें मंडी पड़ी रू हूँ बस। हेलो जी, मैं हो चुकी हूँ नहा धो के रेडी, और अभी मैं सूट सिलेक्ट करूँगी जिनके मैंने इनर लेने हैं। वैसे तो मैंने ये जो थैली में है इन सब के इनर लेने हैं, पर इतने तो मैं एक साथ ना ले जा सकूँ, तो मैं 4-5 सूट निकालूंगी जिनका मैं इनर लाऊंगी। और ये मैंने मंजू को फोन कराया है, वह बुलाई है, तो दोनों इकट्ठी चल जाऊंगा, पैदल पैदल चली जाऊंगा, अगर मैं अकेली जाती तो फिर मैं जाती स्कूटी पे, तो घुमाई भी हो जाएगी। और पैदल जाने का ही ओरिजिन है, सारा दिन तो मैं वैसे घर तक निकलूंगी को नहीं, और सोची पैदल पैदल जाऊंगा तो थोड़ी बहुत घुमाई हो जाएगी, नहीं अकेले जाती तो फिर मैं पैदल जाने में हरकत आऊ, फिर मैं स्कूटी पे जाती जाए, तो हम दो इकट्ठे हो जाया करा ना, तो पैदल जाया करा, मारे इतनी दूरी पड़ा है, बिल्कुल बाहर निकलते ही मार्केट शुरू हो गया है, 5 मिनट थोड़ा सा चलना पड़ा है, उसके बाद मार्केट शुरू हो गया है। तो मंजू आवे है जब तक मैं अपना सूट निकाल लूँ, जो जो सूट मैंने अस्तर लाना है वो निकाल दूँ, फोन ने एक जगह रख दूँ, नहीं तो व्लॉगिंग करी जाऊंगी तो फिर मेरा समझ में ना आगे कौन सा का लेना है कौन सा का ना लेना है। मैं सोचू हूँ जब ये सूट इतना बड़ा बड़ा मैं ठाऊंगी तो वजन ज्यादा हो जाएगा, इनकी कत्तर कटिंग कर करके ले लू हूँ, ये
तो शायद प्लेन है, इसने तो बाद में सिल लूंगी। एक ये सिल दूंगी, इसके साथ का हमने एक सूट सिल दिया। इसका कपड़ा तो आधा निकालूंगी, इसका कपड़ा यहाँ से निकालूंगी। इसमें मैंने थोड़ा सा छेद सा दिखा, जो रोखी सा दिखा मैंने इसमें, कित गया वो योरा। इसमें तो इतना बड़ा छेद है, देखूंगी सिलाई में किस साइड निकलेगा, बाकी और भी चेक कर लूं, पता है और भी कितना छेद हो। तो ये पिछला पार्ट में आएगा, पिछले पार्ट में शोल्डर की साइड। कपड़ा देख इसका कितना है, एक दो तीन चार पांच, पांच से थोड़ा सा कम है, और जो पहला सूट सिला उसमें इतना ज्यादा कम था पांच से। तो सारा सूट चेक कर करके फिर वो करूंगी सिलूंगी। पांच पांच मीटर कह के दे रखा है ये कपड़ा, और कम से इनमें शोल्डर की साइड से यहाँ तक कटिंग कर लिया, ताकि कटिंग करते समय ये एक्स्ट्रा निकल जाए। मंजू का फोन आ रहा है। कित गई सलवार ठीक कर ली, सलवार कड़ा चढ़ा रही हूँ, कहीं बाट में बैठी से तू पटाखा तो फोड़ फोड़ के बचा दे कितना। अच्छा ना काटन दे ना काटे, अपने क्या आट लगावेगी झाड़ू। यो दे इधर तो सारा रास्ता बंद कर दियो, उरे कचली जाया करती आप ही, उरे बना दियो पार्क। काल तो मैंने राहुल पे मंगवा लिया था पटेल नगर में ते 200 का, फिर और कौन मंगवाया, वो गणु बढ़िया कपड़ा कौन दे, रेट वो ही लगावे। याद है कलर कर दिया ऊपर का, जितना भी हो था साइड में हो या ऊपर का, या पड़ोसी कौन बना दी के उरा का ट्रैफिक के कारण, इसमें सारा पक कलर कर दियो। ये भी इसको ऊपर का चल जाए बस स्टैंड की साइड, किसी ने पैदल जानो तो बीच का क्रॉसिंग करते समय फिर ट्रैफिक आंट लगा हुआ है। तो भाई सुबह सुबह मैं कर रही हूँ पैंट कटिंग, और वैसे तो यहाँ मैंने सिंपल पैंट कटिंग करनी है, पर एक जो तो भाई सुबह सुबह मैं कर रही हूँ पैंट कटिंग और वैसे तो यहाँ मैंने सिंपल पैंट कटिंग करनी है, पर एक सब्सक्राइबर ने कई बार कमेंट कर लिया, घनी बार कमेंट कर लिया कि मैंने वेल बॉटम पैंट कटिंग बता दो। तो वेल बॉटम पैंट मेरे पास आई नहीं थी, मैं सोची कदे फुर्सत में बताऊंगी, रुआ फुर्सत कदे नहीं आई, तो मैं सोची आज इसके ऊपर मैं थोड़ा सा समझा दूँ बेल बॉटम पैंट किस तरह कटिंग करनी है। ऊपर तो सेम वो है, मेजरमेंट रखना है जैसे हम पैंट कटिंग करा, ठीक है, और फिर यो जो आसन कार उरे का बीच सेंटर करा हाँ पी प्लेट बनाने खातर, और यो बीच सेंटर नीचे भी करा हाँ मोरी निकालन खातर, क्योंकि इस बीच सेंटर ते दोनों साइड मोरी निकाला हाँ। तो वैसे तो मैंने 7 इंच की मोरी निकालनी है यहाँ तक, पर बेल बॉटम में की करांगा या तो चौड़ाई ज़्यादा होनी चाहिए, या तो 10 इंच की मोरी या फिर 12 इंच की मोरी, अपनी इच्छा के अनुसार कम ज्यादा कैसे भी पहन सके। तो मैंने यो निशान लगा लिया 12 इंच पर, और जब सिंपल पेंट कटिंग करा हाँ तो यहाँ तय सीधा निशान लगा दिया हाँ,
नीचे तक मोरी तक तो अपना आप घुटना निकला हुए हैं और बेल बॉटम में घुटने का भी निशान हमने लगाना पड़ा है। तो मैंने यहाँ तक ऊपर तक लगाया है 17 इंच पे या लाइन, ठीक है 17 इंच पे लगा लिया। अब जैसे घुटना है 18 इंच तो मैंने 2 इंच एक्स्ट्रा लेके उरे निशान लगाया है क्योंकि दोनों साइड सिलाई में भी तो जाना है। या देखो 10 इंच पे मैंने निशान लगा लिया है यहाँ पर। अब या ये वाला निशान इसमें अलग तलाग है, बस थोड़ा ही फर्क हुआ है, ज़्यादा फर्क ना हुआ है। जब ये निशान लगाऊंगा ना नीचे वाला ये निशान तो से पट्टी रखांगा ऐसे करके और फिर निशान लगा लेंगे और या देखो यह निशान लग गया। और जब यहाँ तक निशान लगाऊंगा ऊपर वाला तो से पट्टी ना रख लेंगे ऐसे और यो निशान यहाँ का लग गया। ये देखो इस तरह लग गया। और इस साइड का जब लगाऊंगा तो सेम वैसे ही बाहर की साइड जो सिपर है उसका बाहर की साइड ये निशान यहाँ तक और यहाँ तक लगा लिया, ठीक है। ये थोड़ा मैंने कम कमे लगाया है क्योंकि जब मैं मेरा लगाऊंगी तो फिर हटाऊंगी ना इन्हें। और यहाँ तक ऊपर की साइड तक सिपर ने ऐसे रख के और ऊपर तक गोलाई कर देंगे इसके यहाँ इस तरह। तो यह देखो इस तरह लगाना है निशान, दिख गया होगा साफ साफ। तो मैंने सोची थोड़ा आइडिया दे दूँ। और यहाँ तो यह चौंसी बनी है ना, इस चौंचे ने नहीं बनानी है, यहाँ तो हम हल्की सी गोलाई कर देंगे इस तरह करके। बाकी सेम ऊपर तो वही निशान लगेगा, यहाँ तक भी वही निशान लगेगा, बस यहाँ तक थोड़ा सा या सेप वेल बॉटम में देनी है, बाकी सेम रहेगा। तो गणाए दिन हो गया था उस बेबे ने करते करते कमेंट, और मैं भी सोचू थी कदे फुर्सत में आराम तो बताऊंगी पर मैं बताए ना पाई क्योंकि पहले तो करवा चौथ का सूट इतना ज़्यादा हो गया, ईव शादी का सूट इतना ज़्यादा होगा और दिन ऊपर तो इतना छोटा हुए हैं, काम है मसा पूरा बना है, कटिंग वटिंग हो गई इतने तो दिन पूरा जा ले है। ईव मैंने साथ साथ मशीन लगा रखी है, साथ साथ मैं कटिंग करने लग रही हूँ, बीच बीच में मैं कपड़ा घेर के आऊँ हूँ, पलट के आऊँ हूँ, दुलझा है जद वह काढ़ आऊँ हूँ, दूसरा घेर आऊँ हूँ, तो न्यू चल रहा है मेरा काम। तो और व्लॉग बनाने का टाइम भी नहीं लग रहा है तो मैं सोचूं बस एक दिन छोड़ एक दिन थोड़ा बहुत डाल दूं तो आप सबने भी देखने मिल जाए। और शाम ने काल अस्तर लिया ही, मैं सोची भीड़ कम पाओ गया तो बाजार में क्योंकि दिवाली तक इतनी भीड़ थी, कसुत्ता बिगन था। और काल भी जाके देखा तो वहाँ क्यों आए भीड़ पाई, फिर पता चला कि छठ छठ पूजा हो रही है जो बिहार में मानी जावे है ज़्यादा, तो उस कारण बहुत ज़्यादा भीड़ थी। तो भाई मैं जो कपड़े कटिंग करने हैं वो कटिंग कर लूँगी, साथ साथ मेरे मशीन में तो कपड़ा निकल ही जाऊँगा, फिर मैं मशीन के कपड़े धोऊंगी और घर का पूरा काम कंप्लीट करके फिर मैं सिलाई के ऊपर बैठूंगी। या बेल बॉटम की पैंट है ना काफ़ी दिन तक बीच में उठी पड़ी थी, फिर मैं सोची इस पैंट पर थोड़ा आइडिया दे दूँ तो अगले ने जिसने बनानी हुआ है वह बना लेगी। और स्पेशल मेरे को यहाँ कटिंग करनी कोई सिलनी आई नहीं, अगर मैं इसने बनाती तो जी आज के व्लॉग का यही एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। और व्लॉग अच्छा लगा हो तो लाइक करियो, शेयर करियो, कमेंट करियो। राम राम जी।